कुबाड़ा, अभी के अभी हमारे घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? सवाल मत करो, कहा ना अभी के अभी घर आओ। हाँ, लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? क्या हुआ? सोनू, तू बोल रही है ना? टप्पू यार, मैं तुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी पर तूने मुझे पकड़ लिया। टप्पू के साथ ट्रिक करना इतना भी आसान नहीं है। मुझे ये बता, तू माधवी आंटी के फोन से फोन क्यों कर रही है? अरे वो मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और चार्जिंग के वक्त फोन पे बात नहीं कर सकती, इसीलिए। अच्छा ये बता, फोन क्यों किया? एक्चुअली मुझे तुझे ये कहना था कि आज तू नाश्ता मत करना। क्यों? क्योंकि आज मैं तेरे लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। सो स्वीट ऑफ यू सोनू, लेकिन आज नहीं। आज मैं और दादाजी बहुत सारा नाश्ता बना रहे हैं पापा को सरप्राइज देने के लिए। अरे पर सरप्राइज जेठा अंकल के लिए है ना, नाश्ता वो करेंगे। मैं तेरे लिए स्पेशल मैंगो मिल्कशेक बना रही हूँ। हाँ बना ले और फ्रिज में रख दे, मैं थोड़ी देर में तेरे घर पे आके पी लूंगा। ठीक है चलेगा। वैसे तो जेठा अंकल के लिए क्यों सरप्राइज प्लान कर रहा है? बस ऐसे ही, और वैसे भी सरप्राइज देने के लिए कोई स्पेशल डे का होना जरूरी थोड़ी ना है। पर मुझे ये बता कि तू आज मैंगो मिल्कशेक किस खुशी में बना रही है? वो टप्पू, तूने होली में मेरी बहुत मदद की और मैंने तुझे ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला, तो इसलिए सोचा कि आज तुझे एक अच्छी सी ट्रीट दूं। बस क्या सोनू, अब टप्पू के साथ फॉर्मेलिटी करेगी? भूल गई, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ आई नो, पर तू मेरे हाथ का मैंगो मिल्कशेक पिएगा ना? हाँ बाबा, तू रोज पिलाएगी ना तो मैं रोज पीऊंगा। एक काम करना, तू आ जा यहाँ पे, हम सब यही पार्टी करते हैं। टप्पू मैं नहीं आ सकती, वो एक्चुअली आज आई ने मेरे लिए कोथिंबीर वड़ी बनाई है। अच्छा कोई बात नहीं, तू थोड़ी देर में आ जाना मैंगो मिल्कशेक पीने। ओके बाय बाय। दादाजी मैंने होली में सोनू को बचाया था ना, इसलिए वो मुझे स्पेशल ट्रीट देना चाहती है, स्पेशल मैंगो मिल्कशेक बना के। अरे वाह, वैसे कहना पड़ेगा टप्पू, तूने होली में बहुत बहादुरी का काम किया। एक सच्चा कच्ची माड़ू बुराई के सामने हमेशा डट कर खड़ा रहता है। वो तो मैं हमेशा डट के खड़ा रहूंगा, आखिरकार पोता किसका हूँ। हाँ तो बजी, और सोनू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा सिर्फ सोनू के लिए? मतलब मेरे बाकी सब फ्रेंड्स के लिए। वैसे सोनू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओहो, बेस्ट फ्रेंड? हाँ बेस्ट फ्रेंड, आज के जमाने में लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। आपके जमाने में ऐसा नहीं होता होगा ना? अरे नहीं नहीं, हमारे जमाने में भी लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड होते थे। तब तो लड़का और लड़की आपस में बात भी नहीं करते थे। अरे वो तो बड़ों के सामने, बाकी मेले में बाजार में या किसी की शादी पे मिलते थे तो ये जम कर बात करते थे। वैसे दादाजी आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी? थी ना। थी? कौन? मुझे भी बताइए ना। तू उसे जानता है? मैं उसे जानता हूँ, बोलिए ना दादाजी कौन? अरे तेरी दादी। दादी? हाँ, वो मेरी पत्नी के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। सो स्वीट ऑफ यू दादाजी, सो स्वीट ऑफ यू। अरे चल चल टपुड़ा, हम दोनों तो बातों में लग गए हैं, फटाफट नाश्ता तैयार करते हैं। शेखिया ने नहा भी लिया होगा और सूरज दादा को जल अर्पण करके आ भी रहा होगा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे वाह बबीता जी, अरे ये क्या चॉकलेट खा रही है? गुड मॉर्निंग बबीता जी। ओ हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। ये क्या? क्या? अरे आप मुझे चॉकलेट खाने से मना करते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, उसमें वो बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, और आप खुद मुझे साथ चॉकलेट खा रहे हैं। नहीं नहीं ये चॉकलेट नहीं है, तो ये प्रोटीन बार है, एनर्जी बढ़ाता है, वजन नहीं। अच्छा तभी मैं सोचूं
आप जो आचरण करते हैं वही सिखाते हैं, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो बबीता जी, ये जो आप मग की चॉकलेट खा रहे हैं, मूंग आपने बोला ना, आप प्रोटीन की चॉकलेट खा रहे, तो प्रोटीन मतलब मग, मूंग। अरे नहीं नहीं जेठा जी, प्रोटीन सिर्फ मूंग से नहीं, बहुत सारी चीजों से मिलता है। अच्छा, तो मतलब वो जो आप खा रहे हैं प्रोटीन चॉकलेट, तो उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है? हाँ मीठा है, एंड इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं। अच्छा, तो एक दिन चखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके लिए भिजवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ तपलीक ले रहे हैं बबीता जी, आप मुझे खाली उसका फोटो खींच के मैसेज कर देना, मैं मार्केट से मंगवा लूंगा। जेठा जी, ये मार्केट में नहीं मिलता है, मेरी एक फ्रेंड ये बनाती है, उसी से मंगवाती हूँ। मैं आपके लिए भी मंगवा लेती हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। बट हाँ, एक शर्त है। क्या? ये खाने से पहले आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ये खाने के बाद आप फाफड़ा जलेबी वगैरह वगैरह कुछ नहीं खा सकते। ओहो, ऐसा है? नहीं नहीं, तो मत मंगवाना। मतलब अभी मत मंगवाना, क्या कि मैं एक बार कसरत चालू कर दूंगा ना, तो आपको सामने से बताऊंगा। बबीता जी मैं रेडी हूँ, अभी मंगवा लीजिए प्रोटीन का चॉकलेट। ओके ठीक है, सो सॉरी जेठा जी मुझे। ओके ओके ओके, बाय बाय। सारा नाश्ता? अरे अच्छा हुआ ना मैंने बबीता जी को जबान नहीं दी कि आज के बाद मैं ये सब नाश्ता नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जबान दे दी होती तो मैं अभी ये सब खा नहीं सकता था। बाल बाल बच गया, आप भी गजब परीक्षा लेते हैं भगवान। जेठिया। हाँ बाबू जी। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? अरे बाबू जी मैं देख रहा हूँ हमारे खाने के टेबल पे इतना सारा नाश्ता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अच्छा, तुझे ये सपना लग रहा है? हाँ बाबूजी। क्या कर रहे हो बाबूजी? नहीं नहीं, तुझे ये सपना लग रहा था ना, इसलिए चिमटी काटी। अब बोल, अब लग रहा है सपना? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं लग रहा है बाबूजी, नहीं। कमाल है, लेकिन इतना सारा नाश्ता। तू नहीं खाएगा? देख के ही पेट भर गया। तो ठीक है, जा दुकान जा। जय। अरे नहीं नहीं बापूजी, अरे किसने बोला है, तो मैं नाश्ता करके जाऊंगा। इतनी जोरदार जयाफत छोड़ के तो कैसे जा सकता है? मतलब तू खाएगा दोनों हाथों से? लेकिन बापूजी इतना सारा नाश्ता आया कहाँ से? आप लेके आए? तो ये सब नाश्ता आपका कुलदीपक गड़ा खानदान का राजकुमार दीपेंद्र जेठालाल चंपकलाल जंतीलाल गड़ा ने बनाया। वाह 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 बेटा वाह, जबरदस्त। लेकिन ये इतना सारा नाश्ता क्यों, मतलब किस खुशी में? दादाजी पापा का ना यही प्रॉब्लम है। क्या? कुछ ना करो तो सवाल करते हैं, और कुछ करो तो और ज्यादा सवाल करते हैं। पापा आज मेरा मन हुआ कि आज आपको आपकी पसंदीदा चीजें खिलाऊं। वाह वाह बेटा, बहुत बढ़िया विचार आया तुझे, और बहुत जबरदस्त किया तूने। तू खुश हो गया ना? खुश खुश बापूजी, एकदम खुश। लेकिन सच कहूं बापूजी, इससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब मिलेगी जब टप्पू दुकान संभालने लगेगा। अरे पापा दुकान तो मुझे संभालनी ही है, और मैं संभालूंगा भी, लेकिन अभी आप दुकान संभाल रहे हो ना, तो छोड़ दूं? नहीं नहीं पापा, मेरा मतलब है कि अच्छा है कि अभी आप दुकान संभाल रहे हो, जिस वजह से मुझे कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है। जैसे? जैसे कि एनिमेशन राइम्स, एनिमेशन गेम्स, और आपको पता है पापा, हमने जो ये सब बनाया ना, ये हिट हो गया, ये वायरल हो गया है, हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ रहे हैं। अच्छा? हाँ, और इसीलिए हमने सोचा है कि हम इसे और डेवलप करेंगे। नहीं वो बराबर है, लेकिन फिर बेटा तो ये सब में से फ्री कब होगा?
क्योंकि फ्री होगा तो दुकान संभाल पाएगा ना। अरे पापा आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप देखना जब मैं इस सबसे फ्री होकर दुकान संभालूंगा ना तो AI टेक्नोलॉजी, आपका अनुभव, दादाजी के संस्कार, ये सब मिला के मैं अपने बिजनेस को इस तरह से आगे लेकर जाऊंगा कि गड़ा लकड़ी को चार चांद लग जाएंगे। देश दुनिया के हर शहर में, हर कोने में हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच होगी। वाह वाह बेटा वाह, विचार तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन उसकी शुरुआत बेटा हमारी दुकान से करनी होगी। तू क्या सुबह सुबह ये दुकान की चर्चा लेके बैठ गया? अरे तेरे सामने इतना अच्छा नाश्ता पड़ा है और तू खड़े खड़े दुकान की चर्चा कर रहा है। आज तो मजा आ गया। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। या बात क्या है? नाश्ता। नाश्ता? हाँ, आज पता नहीं क्यों टप्पू को ऐसा मन हुआ कि वो मुझे मेरा मन पसंद नाश्ता करवाए। अच्छा। हाँ, जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, वो सेव खमणी। बस 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 करो जेठालाल, पता है मुझे आज नाश्ते में क्या मिला है? क्या? ग्रीन स्मूदी, बनाना ओटमील, एवोकाडो टोस्ट, एवोकाडो हरा जूस। अरे ऐसा कोई नाश्ता करता है? छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ वो सब। एक काम करते हैं, अभी रास्ते में जाते जाते मैं आपको मस्त चटाकेदार नाश्ता करवाता हूँ, चलो। अरे नहीं नहीं जेठालाल, मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी, फिर कभी। अरे ये लो, रिक्शा भी आ गई। रुक पे रुक, एक मिनट। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। अरे अरे ये रिक्शा वालों का कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ इतना अच्छे होते हैं कि बिना कुछ पूछे हमें जहाँ भी जाना होता है खुशी खुशी ले जाता है, और कुछ ऐसे रुका ही नहीं, नहीं 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 जाना नहीं जाना। अरे रुक तो सही भाई। अरे ठीक है ना, जाने दो जेठालाल भाई, मेरा तो मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे रिक्शा ना बोल के चली गई, इसमें अच्छा क्या हुआ? हाँ बोलो कटकटिया। क्या? मैं अभी घर जाके फाइल लेकर आता हूं। देखा मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा बॉस चाहता है मैं एक जरूरी फाइल लेकर ऑफिस पहुंचूं। अगर हम उस रिक्शा में बैठकर चले गए होते तो मुझे दोबारा घर आके वो फाइल लेनी पड़ती। तुम रुको मैं फटाफट फाइल लेकर। हाँ ले आइए ले आइए, मैं रुकता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। अरे बबीता जी, अब तो कमाल हो गया, सुबह सुबह दो दो बार मिले हम दोनों। आई नो राइट, आप कहाँ दुकान जा रहे? दुकान दुकान दुकान, मैं भी उस तरफ जा रही हूँ, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। क्या बात कर रही है बबीता जी, अरे थैंक यू। आइए आइए। अरे जेठा कहाँ जा रहे हो? बबीता जी मेरे दुकान की ओर जा रहे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ देती हूँ, तो उनके साथ गाड़ी में। हाँ। और हम तो साथ में जाने वाले थे ना। हाँ तो आप भी चलिए ना, चलेगा ना बबीता जी? अरे हाँ ऑफ कोर्स, पहले मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, फिर मैं मेहता साहब को छोड़ते हुए चली जाऊंगी, इट्स ओके। ले बस। अरे नहीं नहीं बबीता जी, फिर तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, और लेट आने पे मेरा बॉस मुझे बहुत डांटता है। आ तो कोई बात नहीं, पहले आपको छोड़ देंगे फिर मुझे छोड़ देंगे बबीता जी। हाँ सॉरी जेठा जी, पर उसमें मुझे लेट हो जाएगा। ओ तो फिर कोई बात नहीं, आप जेठालाल को छोड़ दीजिए, मैं रिक्शा में चला जाऊंगा। So sorry मेहता साहब। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, वैसे भी रोज मैं रिक्शा में ही जाता हूँ। चलो जेठालाल। ओके बाय बाय, चलिए जेठालाल। हाँ आ,
वाह वाह वाह, आज तो बबीता जी के साथ उनकी गाड़ी में दुकान जाने का मौका मिल गया, मुझे आने वाला है। यार भाई आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गया मतलब घर से? नहीं मतलब आपको कहाँ जाना है? जयदलाल मैं तुम्हारा गाड़ी में नहीं बैठा है, तुम मेरा गाड़ी में बैठा है, इसलिए तुम बताओ तुमको किधर जाना है। वो मेरी सब बात हो गई है बबीता जी के साथ। अरे बबीता जी आप पीछे क्यों बैठ रहे हैं, आप नहीं चला रहे? नहीं जेठा जी, जब अय्यर होता है ना तो वही गाड़ी चलाता है, मैं आराम से बैठी हुई होती हूँ। यस अच्छा जयदलाल, बाय द वे तुम दुकान थोड़ा लेट पहुंचेगा तो चलेगा ना? क्यों लॉन्ग ड्राइव पे जाने का विचार है? नहीं नहीं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना है यार, रास्ते में मेरे को थोड़ा काम है तो 20 से 25 मिनट लग जाएगा, उसके बाद मैं तुमको ड्रॉप कर देगा तो चलेगा ना? नहीं नहीं वो तो बहुत लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग निकलिए, मैं रिक्शा से चला जाऊंगा। ठीक है। Are you sure, जेठा जी? हाँ, अरे दुकान तो मैं रोज जाता हूँ बबीता जी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपकी गाड़ी में दुकान जाने का मौका मिल ही जाएगा। So sorry about it. नहीं नहीं सॉरी क्या उसमें। अरे कहाँ जा रहे, बैठिए ना, हम आगे आपको रिक्शा तक छोड़ देते। हाँ ठीक है। पता साहब जेठा, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। हाँ कोई बात नहीं। ओके बाय 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 बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो गाड़ी से क्यों उतर गए? आपकी वजह से। आपको इधर अकेला खड़ा देख के मेरा मन नहीं हुआ गाड़ी में जाने का, मैंने सोचा साथ में रिक्शा में ही जाते। थैंक यू सो मच जेठालाल। अब सच सच बताओ बात क्या है? भाई मुझे कहता है रास्ते में उनको कुछ काम है तो 20-25 मिनट लगेगी। हाँ तो सर, तब माना कि मेरी दुकान में मेरा कोई बॉस नहीं है मुझे डांटने के लिए, लेकिन अय्यर भाई की वजह से मैं लेट क्यों जाऊं? उतर गया गाड़ी से, बोला जाओ आप, नहीं आता आपके साथ, मेहता साहब के साथ रिक्शा में जाऊंगा। हाँ रिक्शा और मेहता साहब, आपका दो सर वाला बॉस कैसा है? अरे वो तो मजे में ही रहता है, उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। अरे वो इतना चिल्लाते रहते हैं, उनको बोलो जरा डॉक्टर से चेकअप बेकअप करवाए, कहीं उनको हाई बीपी ना हो। मुझे तो लगता है उसे लो बीपी होगा, अपना बीपी हाई रखने के लिए वो हम पे चिल्लाता है। और बताओ जेठालाल, धंधा कैसे चल रहा है? नहीं नहीं भगवान की कृपा से बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब। अभी देखिए वो क्रिकेट की सीजन तो चालू ही है, अभी इलेक्शन आएंगे तो टीवी अच्छा बिक भी रहे और अच्छा बिकेंगे भी। पर लोग आजकल टीवी के बजाय मोबाइल ज्यादा देखते हैं ना? आप तो मोबाइल भी बेचते हैं ना? तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम पर। धंधा तो अच्छा ही है, लेकिन नट्टू काका और बागा जैसे एम्प्लॉयज होने की वजह से तुम्हें टेंशन कम रहती। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे मेहता साहब आप, इसमें भी भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि ऐसा सन्निष्ठ स्टाफ मिलना वाकई में बहुत ही दुर्लभ है, जो अपना काम तो निष्ठा से करते ही है लेकिन दुकान का धंधा कैसा बढ़े उसके बारे में भी हमेशा सोचते रहते हैं। वाह वाह वाह, आज तो सोनू के हाथ का बना मैंगो मिल्कशेक भी नहीं मिलेगा। सोनू प्रियंकल आप यहाँ? क्या मतलब, ये मेरा ही घर है। हाँ मुझे लगा आप काम से गए। हैं? मतलब काम से बाहर गए। वैसे सोनू कहाँ है? क्यों क्या काम है? सोनू ने मुझे यहाँ बुलाया है, उसने मेरे लिए स्पेशल मैंगो मिल्कशेक बनाया है। हाँ पता है मुझे, आम भी मीठा आने लेते। फिर भी आपने पूछा? क्यों नहीं पूछ सकता? नहीं मतलब टप्पू तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ओ सोनू बड़ा, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग रोज मिलते हो, और तुम भी जरा धीमे से बात करो। तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं।
मेरा मतलब है जब भी बोलोगे धीमी आवाज में बात करो सर। टप्पू मैं अभी तुम्हारे लिए मैंगो मिल्क शेक लेकर आती हूँ। अरे तेरे पार्सल देना। अरे बाबा। अर्जुन एक मिनट मैं टप्पू से कोई बुला लेता हूँ। नहीं आज मैंगो मिल्क शेक मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाया और वैसे भी गोगी गोली किसी काम से बाहर गए और पिंकू अपने अंकल के यहाँ गए। मैं उन लोगों के लिए बाद में बना दूंगी, अभी मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। तू बैठा। हाँ। यही बैठना है, इतना बड़ा सोफा, यहाँ बैठो। ठीक है। अरे खुद के घर में नहीं बैठे हो, किसी और के घर में हो। हाँ जरा ढंग से बैठो। अरे टप्पू बड़ा आ गए तुम। ऐसे क्यों बैठे हो सिकुड़ के? आराम से बैठो वास्तव में की टेक के। आप कैसे बैठे हैं? मैंगो मिल्क शेक आ गया है। ये दो दो ग्लास मैंगो मिल्क शेक। हाँ वो सुनो तुम्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहती थी ना इसलिए। बाबा एक ग्लास मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह मेरे लिए भी है। थैंक यू चाहो। उसको बहुत अच्छा लगा और पीने का मन हुआ तो? और अगर मन नहीं हुआ तो? अब पीजे पीजे भी डेंगे। थैंक यू। हाँ इट्स ओके। कैसा बना है? माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग। थैंक यू। अमेजिंग तो होगा ही ना, 8 रुपए डजन आंबा है। आखो। हाय माधवी भाभी। अरे रोशन भाभी आइए आइए। आइए रोशन भाभी आइए। अरे नहीं बैठो। ओह मैंगो मिल्कशेक तू वाच समथिंग स्पेशल। रोशन भाभी आपको तो पता है होली में टप्पू ने हीरो की तरह सोनू को बचाया था, तो उसको थैंक्स कहने के लिए सोनू ने मैंगो मिल्कशेक बनाया। हाँ टप्पू की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, और जितनी कंप्लेंट करो उतनी कम है। करज करज बेडरूम में। हाँ रोशन आंटी आप मैंगो मिल्कशेक पियेंगी? अरे नहीं नहीं दिखरा पची क्या रेखा। ओके अच्छा माधवी भाभी आज रात को ना मैं और रोशन एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसका शर्ट और अपनी साड़ी से मैचिंग करूं, लेकिन फिर ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं कंफ्यूज हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाती हूँ आपका सजेशन लेने। आप हमेशा अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं। तो आप मुझे बताइए किसमें से कौन सा जा रहा है। हाँ ये जोड़ी कैसी लग रही है? एक्चुअली सच गणेश बजनी है, ये जोड़ी बेस्ट है। सच माधवी बाबू मुझे तो ये जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। माधवी क्या बोल रही है? हाँ बीड़े भाई आप बताइए ना ये जोड़ी कैसी लग रही है? बिल्कुल मिसमैच, अजीब बात मैच नहीं हो रही है। देख तो लीजिए, आप देखे बिना कैसे बोल सकते हो? अरे देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। बोल रहा हूँ ना बिल्कुल भी मिसमैच। मतलब मैं ये शर्ट के साथ ये साड़ी नहीं पहनूं? मत पहनिए। ये क्या है? ये रोशन का शर्ट और मेरी साड़ी। मेरे भाई मैं और रोशन ना आज रात को एक फंक्शन में जा रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शर्ट के साथ मैं कौन सी साड़ी मैचिंग करूं, तो मैं माधवी भाभी से पूछने आ गई। ओ अच्छा मतलब आप शर्ट और साड़ी की जोड़ी की बात कर रहे थे। हाँ आपको कौन सी जोड़ी लगी? मुझे तो मैं मजाक कर रहा था एक्चुअली, मुझे भी वही लगा। नहीं अच्छा आप यही शर्ट पहनी है, सॉरी यही साड़ी पहनी है। ओके आते हैं की शादी। क्या? हाँ मतलब शर्ट और साड़ी की शादी। चलो अभी मैं चलती हूँ, मुझे वैसे भी बहुत तैयारी करनी है। थैंक
यू माधुरी भाभी। ओके बाय, थैंक यू फिर बाय, थैंक यू बाय। जीव घेतला इने नहीं कहीं नहीं। चप्पू बड़ा मिल्कशेक लोगे और? नहीं नहीं माधुरी आंटी, अभी और पीऊंगा ना तो मुझे नींद आ जाएगी। और वैसे भी मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए पीपीटी बनानी है। हाँ तो जाओ पहले वो काम करो टप्पू, नहीं तो अगर जेठा को पता चला ना कि तुम पीपीटी की जगह मैंगो मिल्कशेक पीपीवी कर रहे हो तो गुस्सा करेगा। हाँ भीड़ अंकल, थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच, बाय। काय झालंय काय, पीपीपी काय, शर्ट घाला काय? येस नट्टू काका, भिडे स्कूटर रेस गेम में मैं जीत गया। बागा तू हर टाइम चीटिंग करता है। नट्टू काका ये चीटिंग की नहीं टैलेंट की बात है। चल और एक गेम खेलते, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। चलिए हो जाइए शुरू। ये समारे रे। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे रहा, इतना किस चीज में बिजी है भाई? ये क्या हो रहा है? अरे सेठ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? नहीं नहीं नहीं, बहुत लेट हो गया गुड मॉर्निंग के लिए। मैं कब से आया, कब से तुमको गुड मॉर्निंग बोला, तुम दोनों जवाब ही नहीं दिया। दोनों ये गेम खेलने में बिजी थे। मैं तुम दोनों को दुकान में गेम खेलने का पकड़ देता हूँ। अरे सेठ जी दरअसल वो तू चुप रहे। नट्टू काका बागा का तो समझ में आता है, नादान है गलती कर सकता है, लेकिन आप भी इसका नाक में चालू पड़ गए। नहीं नहीं सेठ जी, आप जैसा सोच रहे ऐसा नहीं है। हाँ हम काम चोरी नहीं करते, इनफैक्ट आज तो हम जल्दी आ गए। हाँ सेठ जी, और आते ही जितने कस्टमर्स को आज डिलीवरी करनी है उन सब का शेड्यूल बना दिया, जिन जिन पार्टी से पेमेंट लेना है उन सबको फोन करके रिमाइंडर दे दिया, सारा काम हो गया। और अभी कस्टमर का राह देख रहे हैं। फिर सोचा बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, दोनों मोबाइल में गेम खेलते हैं लेके टप्पू सेठ जी का नाम। सेठ जी, टप्पू सेठ जी ने और पूरी टप्पू सेना ने क्या मस्त गेम बनाई है, नहीं नट्टू काका? ठीक है अभी गेम खेलना बंद करो और कुछ काम करो। बताइए क्या काम करूं? मेरे पास एक काम है। जो सेठ जी के लिए तीन चाय बोल, बाद में उसको काम देता हूँ। चल जा। नहीं नहीं उसको बोला तो वो तो खड़ा है। नहीं मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। काका वो जग्गू अपनी जगह पे है नहीं, लगता है चाय की डिलीवरी देने गया है। तो फोन करके बोल दे। वही कर रहा हूँ। हाँ जग्गू सुन। नट्टू काका। जी सेठ जी। आपको मैंने वो सेल्स रिपोर्ट की फाइल निकालने को बोला था, वो निकाली? हाँ रेडी है। तो देंगे? अभी नहीं, जब आपकी मर्जी हो तब देना। मैं तो कभी भी दे सकता हूँ। हाँ तो दीजिए ना। वही तो पूछ रहा हूँ, अभी? अभी। नट्टू काका आप कुछ काम देने वाले थे। ये लीजिए सेठ जी। अच्छा सेठ जी, आज वो सुपरविजन कंपनी के मैनेजर मिस्टर वाधवा आने वाले, याद है ना? अरे भाई उसी के लिए तो फाइल निकालने को बोला मैंने। सेठ जी लगता है वो आ गए।
आइए वेलकम वेलकम टू गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्ते, आइए बैठ के बात करते हैं। क्यों? अच्छा, खड़े खड़े बात करनी कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है, पूरा दिन गले पे खड़ा ही रहता हूँ। लेकिन आपको बात क्या करनी है? अच्छा, तो बिना बात किए सब फाइनल? क्या फाइनल? डीलरशिप। कौन सी डीलरशिप? आपका नाम? वरुण। सरनेम? सरनेम वर्मा। सेठ जी, ये तो वो नहीं है। ओ, अच्छा वो बताया आपने, नाम सुन के मुझे पता ही नहीं चला। देखिए, मुझे चार्जर खरीदना है, मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा, आइए। मिलेगा, मिलेगा, आइए आइए इस तरफ, आइए प्लीज, आइए। आ नट्टू काका, आप भी बिना सोचे समझे आ गए। आ गए, मैंने कहा उनको देखा है, आपने भी नहीं देखा? नहीं, मेरी भी फोन पे ही बात हुई है उनसे। ओ, तभी ये गड़बड़ हुई। नट्टू काका, इनका जरा बिल बना देंगे प्लीज। जाइए, आइए। इन्होंने ये चार्जर खरीदा है। ये आइए आइए मैडम, आइए, वेलकम टू गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए जी, मुझे एक बढ़िया सा वाटर प्यूरिफायर चाहिए। जरूर। अरे बागा, सेठ जी सब सुन लिया मैंने। आइए मैडम, इस तरफ आइए, आइए। ये देखिए, ये है हेवल्स कंपनी का ग्रासिया अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, जो आता है 8 स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ, और इससे आपको मिलता है एकदम हेल्दी पानी। अरे वाह, हेल्दी पानी का साइन हेवल्स अल्कलाइन। और इसके फीचर्स देखिए मैडम, वैसे इसका इंस्टॉलेशन कब तक हो जाएगा? बस अगर आप अभी पेमेंट कर देते हैं तो आज शाम तक इसकी डिलीवरी करवा दूंगा, और इंस्टॉलेशन भी, और वो भी एकदम फ्री। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। तो बिल बनवा दो। हाँ, तुरंत। आइए आइए इस तरफ, आइए आइए, ये आपका बिल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। फिर से आइएगा मैडम। आइए सर, आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मिस्टर जेठालाल गड़ा जी, आप? मैं अर्जुन वाधवा, सुपरविजन कंपनी सर। जी जी, आइए 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 सर, आइए, मैं आपके इंतजार कर रहा था। आइए बैठ के बात करते, आइए 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 सर, इस तरफ बैठिए। अरे बागा जी, जी 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 सेठ जी, पानी पानी वगैरह ले, अभी लेके आए। मुझे पानी नहीं चाहिए। तो आप क्या लेंगे सर, चाय, कॉफी, फालूदा? चाय चलेगी। सर, चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म नाश्ता लेंगे? नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए। लीजिए ना, यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म चटाकेदार नाश्ता मिलता है। सिर्फ चाय। अभी चाय पीनी है, चाय लेके आ। अभी 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 लेके आता हूँ चाय। बताइए क्या लेंगे? वधवा जी, आपको ऐतराज ना हो तो पीछे ही मेरा गोडाउन है, वहाँ बैठ कर बात करें। क्या कि यहाँ कस्टमर आते जाते रहेंगे ना, आपको डिस्टर्ब होगा। जी ठीक है। आई आई सॉरी है, सॉरी सर। एक मिनट मिनट, सॉरी बगा, हम लोग गोडाउन में बैठे तो चाय वहीं भेज देना। जी जी सर, जी जी, आइए आइए सर, आइए। आपका कामकाज तो अच्छा है, और हमने पता किया है मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी अच्छी है। थैंक यू। और आप तो जानते हैं कि मार्केट में जो हमारी साख है वो रातों रात तो नहीं बनती है, सालों की मेहनत से बनती है। क्योंकि क्या है, मुझे कोई भी नए प्रोडक्ट की डीलरशिप मिलती है ना, तो उसको सुपर हिट करने के लिए मैं तन तोड़ मेहनत करता हूँ। हाँ हाँ, वो बराबर है, लेकिन देखिए बुरा मत मानिएगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए आप तो मेहनत करते ही है, लेकिन क्या आपका स्टाफ भी इतनी ही मेहनत करता है? क्योंकि हम मानते हैं कि जहाँ का स्टाफ अच्छा हो वहाँ का ग्रोथ डबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है आपके, पर इसके लिए मैं अपनी छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मेरा स्टाफ और उनका काम नंबर वन है। एकदम कर्मठ स्टाफ है मेरा, पूरी दुनिया में आपको ऐसा स्टाफ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा? हाँ, वो भले है 2 जन, लेकिन 200 के बराबर है। और
वो मार्केटिंग के इतनी नई नई स्कीम लेके आते हैं कि एक बार कस्टमर हमारी दुकान में आया वो माल खरीद के ही जाता है। वाह। और एक बार कस्टमर ने हमारी दुकान से माल खरीदा के खलास, मतलब फिर जिंदगी भर हमारी दुकान से ही खरीदता है, क्योंकि हम क्या कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस जो होती है ना वो इतनी बढ़िया देते हैं कि वो कस्टमर को बार बार मतलब इधर ही आने का मन होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सच कहता हूँ ये सब मेरे स्टाफ की वजह से, क्योंकि वो लोग कस्टमर को भगवान और काम को भक्ति मानते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं शायद, लेकिन देखिए गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक मैं हूँ बराबर, लेकिन ये लोग इस तरह काम करते जैसे गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ये लोग हैं। जेठालाल जी, ये जो भी आपने बताया अगर ऐसा ही है तो मैं अभी डील पक्की करके ही जाऊंगा। ऐसा ही है, एक काम करते हैं, अभी हम दुकान में जाते हैं, आप खुद मेरे स्टाफ से जो सवाल पूछना पूछ लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी कि अभी मैं जो कुछ भी बोला हूँ वो शब्द शब्द सच बोला हूँ। चलिए फिर। चलिए। अरे चाय आ गई, आजा आजा जग्गू, रख रख रख। थैंक यू भाई, थैंक यू। चाय पीते हैं फिर चलते हैं। नट्टू काका, वाह मजा आ गया, क्या मस्त बिजनेस हुआ है नहीं आज। बस सेठ जी गुड न्यूज लेके आए तो और मजा आ जाएगा। बागेश्वर जी, नट्टू काका। बावली जी, आप यहाँ? हाँ। आप यहाँ दुकान में क्यों आ गए? क्योंकि जेठालाल जी ने कहा है कि मैं दुकान में कभी भी आ सकती हूँ। कब? जब रात को बबीता जी का एसी खराब हुआ था तब। अरे आना बेटा, आना बिंदा सा, अरे तेरी दुकान है बेटा, तुझे कौन रोक सकता है। अरे बावरी जी, वो तो आप मुझे कब से फोन नहीं दे रहे थे, इसलिए सेठ जी ने मजबूरी में आपको ऐसा कहा होगा। अभी आप जल्दी यहाँ से जाइए, सेठ जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग करने गोडाउन में बैठे हैं, अगर वो यहाँ आ गए और आपको देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बावरी बेटा तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन पहले आप आ कीजिए। क्यों, आप हमारे लिए टूथब्रश लाए हो? अरे नहीं, मैं मिठाई लाई हूँ मुंह मीठा कराने। मुंह मीठा करवाने? हाँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में फर्स्ट आई हूँ ना, दैट्स व्हाई आई बॉट टोन मिल्क केसर फ्लेवर्ड स्वीट। अरे फटे दूध की केसर वाली मिठाई। मावे की मिठाई, मुझे तो मालूम ही है। गुड इंग्लिश। थैंक यू। थैंक यू। बावरी जी, अभी आप जाइए, सेठ जी की मीटिंग खत्म होने वाली होगी, अगर वो आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो उन्हें आने दीजिए ना, उनको भी खिलाऊंगी, मैं फर्स्ट जो आई हूँ। बावरी जी पेड़े हम खिला देंगे, सेठ जी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले मेरे साथ डांस करना होगा। सेठ जी को? नहीं बागेश्वर जी को। इस वक्त डांस कहाँ बावरी जी, प्लीज मेरी खुशी के लिए आप इतना नहीं कर सकते। दादा सॉरी सर। आप तो बता रहे थे कि आपका स्वाब जो है नंबर वन है, कर्मठ है, काम को भक्ति मानता है। अरे ये होती है भक्ति? नहीं, या तो भक्ति के नाम पे नाच गाना चल रहा है।
सॉरी सर, सॉरी। अरे क्या सॉरी, वादवाजी बराबर बोल रहे, क्या चल रहा था दुकान में? बोल। सेठ जी मैं दरअसल वो अरे वो क्या कर रहा बता। मैं बताती हूँ। बाहुरी तू? मिस्टर जेठालाल आपने तो बोला था कि आपके यहाँ पे दो लोगों का साथ, यहाँ तो तीन है, मतलब आपने मुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं, ये मेरी स्टाफ नहीं है। तो मैं इनकी स्टाफ नहीं हूँ, मैं इनकी मंगेतर हूँ। नहीं मेरी नहीं, ये इसकी मेरी, मेरी मंगेतर है मेरी। भावरी तू यहाँ क्या कर रही है? मैं पेढ़े देने आई थी। इसने मिठाई का चालू किया? नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल बावरी जी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में फर्स्ट आए ना, इसलिए पेड़े देने आए हैं। ये लीजिए, पेड़े लीजिए टेटालाल जी। टेटालाल? आपने तो बोला था कि आपका नाम जेठालाल है, दो नाम, मतलब इसमें भी झूठ। नहीं नहीं, मेरा नाम जेठालाल है वादुआ जी। तो फिर इन्होंने अभी आपको टेटालाल क्यों बोला? वो ओ, उसके वायरिंग में थोड़ी गड़बड़ है, उसको नाम ठीक से याद नहीं रहते, तो बात करते करते जो भी नाम दिमाग में आता है ना, वो नाम से संबोधन करती है। अभी उसको छोड़िए ना, आइए आइए बैठ, आइए आइए मेरे पास। नहीं आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, पका ले चलो, ये कुर्सी उधर ले, हां ले, आराम से आराम से। अरे धक्का मार रहे हैं क्या? धक्का सॉरी सर, आराम से उठिए, बैठिए। कुर्सी कुर्सी इधर ही, बैठ जाइए बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। बस हो गया, बस हो गया, बस मेरी बैग का है। बराबर बैग। चल अभी बैग में से सब कागज निकालिए, हम डीलरशिप की कार्यवाही शुरू करते हैं। कौन सी डीलरशिप? कितनी जोर से मार लगी है, देख इनकी याददाश्त चली गई। तेरे बाप रे। अरे कोई याददाश्त नहीं गई है मेरी। अरे वाह, याददाश्त नहीं गई है। चल ठीक है, निकालिए कागजात, हम लोग डीलरशिप की कार्यवाही शुरू करते हैं। अरे काय की डीलरशिप? मिस्टर जेठालाल, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि मैं आपको डीलरशिप दूंगा? कतई नहीं। अब तो मैं अपनी कंपनी में जाकर सबको बता दूंगा कि इनको कभी भी कोई भी डीलरशिप ना दे। अरे ऐसा मत बोलिए, प्लीज रुकिए। अरे रुकिए, अर्जेंट प्लीज रुकिए ना। रुकिए ना विधवा जी। विधवा? अरे ये यहाँ आई, तू यहाँ आई क्यों? तुझे कितनी बार बोला है दुकान में नहीं आने का, फिर भी चली आती है। अरे तेरी वजह से देखा ना, कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, कितनी बड़ी डीलरशिप हाथ से गई मेरे। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे तूने वो बेचारे विधवा जी के ऊपर ये बाका को फेंका? नहीं नहीं, मैंने फेंका नहीं, वो तो हम खुशी के मारे झूम रहे थे, तब मैंने आपको आते हुए देखा और डर के मारे बागेश्वर जी मेरे हाथ से छूट गए। अरे पर तू यहाँ आई ही क्यों? वो तो बागेश्वर जी ने बताया ना कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में फर्स्ट आई हूँ। अरे भाई तू इंग्लिश में फर्स्ट है, चाइनीज में फर्स्ट है या जापानीज में फर्स्ट है, मुझे उससे क्या? चल अभी खड़ी क्या है, निकल।
सेठ जी प्लीज जरा शांत हो जाइए, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। आप एक 5 मिनट लेट आते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। बावरी जी हमें पेड़े खिला के बस निकल ही रहे थे, उतने में आप आ गए और अरे वाह, मतलब ये जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर है। मुझे ये आना नहीं चाहिए था, मैं आया वो गलती हो गई मुझसे। मेरी दुकान में मैं आया वो मुझसे गलती हो गई है। यहाँ आने से पहले मुझे तुझे पूछना चाहिए था भाई, मैं मेरे दुकान में आना चाहता हूँ, आऊं? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? 5 मिनट लेट आते का क्या मतलब है तेरा, क्या मतलब है तेरा? अब जाइए ना। आपसे नहीं कह रहा हूँ सेठ जी, बावरी जी आपसे कह रहा हूँ, आप जाइए ना प्लीज। Nonsense! बागा, सेठ जी के लिए कुछ ठंडा लेके आ। अरे कोई ठंडा नहीं पीना है मुझे। तो गरम चाय पी लीजिए सेठ जी, गरम गरम मसाला वाली रजवाड़ी चाय पीजिए, मन शांत हो जाएगा। बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल, इतने उखड़े उखड़े क्यों? क्या बताऊं मेहता साहब, मत पूछिए। ओहो, लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। अरे बहुत बुरा नहीं, भयंकर बुरा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, क्या क्या हुआ? क्या ये क्या बताऊं क्या हुआ, वो बावरी की वजह से इतनी बड़ी डीलरशिप हाथ से चली गई। बोलो। ये तो वाकई में बुरा हुआ। चलो चलो। हाँ मैं तो फोन रखता हूँ। अरे तो फोन आपने क्या ऐसे ही किया था? नहीं नहीं, मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम्हारा ये हादसा सुनकर भूल गया, याद आता है तो फोन करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? ये छाछ है और ये चाय है। वो मुझे भी दिख रहा है, दोनों साथ में क्यों लाया है? दोनों साथ में मिक्सिंग करके पीना है? नहीं नहीं, अगर आपको दिमाग एकदम ठंडा करना हो तो छाछ पीजिए, और अगर दिमाग एकदम शांत करना हो तो चाय पीजिए। ये किसका आइडिया है? बावरी का है ना? वो अभी तक गई नहीं, बाहर ही खड़ी है। अरे अरे यार, तू फिर अंदर क्यों आ गई बावरी? तुझे मना किया ना दुकान में अंदर नहीं आने का। ठीक है नहीं आऊंगी, पर पहले आप मुझे माफ तो कर दीजिए। नहीं करूंगा, तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। पर मैंने सॉरी तो बोल दिया। अरे मुझे तेरी सॉरी और तू दोनों मेरी दुकान में नहीं चाहिए। बागेश्वर जी, बागा, प्लीज प्लीज भाई, तू इसको बोल मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको बोल यहाँ से जाए प्लीज। बावरी जी प्लीज आप जाइए, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। बावरी बेटा गो। आइए 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 बावरी जी, आइए चलिए। बागा, किसी दिन इस बावरी की वजह से हमारी छुट्टी हो जाएगी। बराबर है नटू काका, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या करूं। बात कर उसे समझा, कड़ी कड़ी दुकान में ना आए। अब तो बावरी जी को समझाना ही पड़ेगा, उनकी वजह से आज दुकान में बहुत गड़बड़ हो गई।
मेरी वजह से क्या गड़बड़ हुई? इट्स ट्रू, आज तुम्हारे आने की वजह से आज से बड़ी डीलरशिप चली गई। हाँ बावरी जी, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे वो तो मैंने सेठ जी को दुकान में आते वक्त देख लिया, इसलिए हाथ छूट गया। वरना आपको तो पता है मैं जिंदगी में आपका हाथ कभी नहीं छोड़ सकती। अरे जिंदगी का छोड़ो, आज जो हाथ छूटा है उसकी बात करो। हाँ बावरी जी, आपको पता है सेठ जी कितने नाराज है। सेठ जी मेरी वजह से नाराज है ना? ओबियो। तो उनको मनाऊंगी भी मैं ही। कैसे? वो सरप्राइज है, मुझे है ना बहुत ही जबरदस्त आइडिया सूझा है। क्या आइडिया सूझा है? अरे कहा ना कि सरप्राइज है। चलिए बागेश्वर जी, अभी के अभी गोकुलधाम जाते हैं। नहीं बावरी जी, इस वक्त हम सेठ जी के घर गए तो वो और गुस्सा करेंगे। नहीं करेंगे, मेरे पास जो आइडिया है ना उससे सेठ जी का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। चलिए सुनिए। बागेश्वर जी। ये टेंशन राम, इस टेंशन में तुझे कितनी बार बोला है जेठिया, ये दुकान का टेंशन घर पे मत लाया कर। पर बापूजी मैं तो नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन ये टेंशन इतना जिद्दी है ना, दरार आ जाता है मेरे साथ घर पे। शांति रख, शांति रख, और अब शांति से बता क्या हुआ। क्या बताऊं बापूजी, क्या हुआ? इसीलिए अभी मैंने तय किया है कि मैं बावरी का दुकान में आने ही नहीं दूंगा। नमस्ते बापूजी। नमस्ते सेठ जी। अरे दुकान में आने से मना किया तो घर आ गई। बेटिया आओ, भगा बावरी, बैठो। कैसे आना हूँ? बापूजी हम माफी मांगने आए हैं। नहीं मिलेगी माफी, हरगिज नहीं मिलेगी। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं, जो बीती बातों को भूल जाते हैं वही नए भविष्य का निर्माण कर पाते हैं, है ना बापूजी? बड़े सयाने ये भी कहकर गए हैं, हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, है ना बापूजी? हाँ। अरे बापूजी आप इसके बातों में कहाँ हामी भर रहे हैं? एक जगह आप बापूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहरबानी करके इस मामले से आप दूर रहिए प्लीज। नहीं नहीं पास आइए। मतलब इस मामले से दूर मत जाइए, हो सके उतना नजदीक रहिए। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं, जो तजुर्बेबाज बड़े होते हैं वही भटके हुए लोगों को सही राह दिखाते हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता, मैं भटका हुआ हूँ? नहीं नहीं, अरे भटका हुआ मैं नहीं, ये तेरी बावरी भटकी हुई है। कितनी बार इसको बोला है दुकान में नहीं आने का, फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के दुकान में आ ही जाती है। तो लेकिन क्या करें सेठ जी, आप तो जानते ही हैं दुकान के काम की वजह से हम दोनों मिल नहीं पाते, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए बावरी जी थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे मिलने आ जाते हैं दुकान में। अच्छा, मिल ही नहीं पाते? रविवार को तो छुट्टी होती है, उस दिन क्यों नहीं मिलते तुम दोनों? अरे लेकिन वो छुट्टी सिर्फ कहने की छुट्टी होती है, या तो आप मुझे कभी कभी डिलीवरी के लिए भेजते हो या तो फिर सर्विसिंग के लिए।
अच्छा बेटा, रविवार को मत मैं काम देता हूँ, वो तुम्हें याद रहता है। लेकिन रविवार के पहले चालू दिनों में मैं तुझे छुट्टी देता हूँ, वो याद नहीं है? कौन सी छुट्टी? कौन सी छुट्टी? एक बार पूनम के दिन तुझे अम्बा माता जी का मंदिर दर्शन करने जाना था, तो मैंने छुट्टी दी थी कि नहीं है? वो भी चालू दिनों में, वो भी एक दिन की नहीं, तीन दिन की। उसके बाद चालू दिनों में ही एक बार पावरी को लेकर लोनावाला जाना, तो दे दी मैंने छुट्टी, दी थी कि नहीं? देख भाई, सौ बात की एक बात, मुझे अभी बावरी दुकान में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, बस। ऐसा क्या कर रहे हैं सेठ जी? हाँ, बापूजी समझाइए ना पेट जी को। पेट जी नहीं, सेठ जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। एक तो अभी ये गलती से मिस्टेक हो गई, बोलना बंद कर, बंद करिए। अब देखो तब गलती से मिस्टेक हो गई। अरे तेरी ये गलती से मिस्टेक हो गई की वजह से मुझे आज कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितनी बड़ी डीलरशिप हाथ से गई, पता है कि नहीं? हाँ पता है ना, इसलिए तो बिचारे बावरी जी आपसे माफी मांगने आए हैं। माफ कर दीजिए ना। हरगिज नहीं सेठ जी प्लीज। मैंने बोला ना, माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नहीं कैसे मिलेगी, आपको देनी पड़ेगी। माफी देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे पर मुझे मेरा अधिकार नहीं वापरना है तो? नहीं, आपको वापरना पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है। देखिए, अब कोई भी चीज लंबे समय तक ना वापरो ना तो पड़े पड़े बिगड़ जाती है, इसलिए वापर लीजिए ना। बगा अभी कभी इसको यहाँ से ले जा, अभी कभी ले जा यहाँ से। सेठ जी आप बावरी जी को माफ कर दीजिए, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही आप कहोगे बावरी मैंने तुम्हें माफ किया, किया का यह सुनते ही मैं और बावरी जी छलांग मार के घर के बाहर। मैंने बोला ना माफी नहीं मिलेगी, बस ठीक है, बस अभी ज्यादा मत खींच, दे दे माफी दे दे। बापू जी, अरे भाई जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है, माफी दे दे। वो कहते हैं ना, क्षमा वीर से भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण होता है, माफ करने वाला माफी मांगने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। तो मुझे नहीं बनना है बड़ा बापू जी। तुझे बड़ा बनना पड़ेगा। मैं जब गांव में था तो कितनी बार माफी दे लेकर बड़ा बना हूँ। अच्छा कितनी बार होगा? कोई 15-20 बार। ओहो 15-20 बार। तो हमारा एक दोस्त था लालू, हम जब खेत में काम करते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आ जाता था, कभी चाय लेकर आ जाता था, कभी नाश्ता लेकर आ जाता था, हम सबका टाइम खराब कर देता था, कभी हम सबको उस पर बहुत गुस्सा आता था। सब लोग यही कहते थे कि इस लालू को ना कभी माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसे हमेशा माफ कर देता था। पता है क्यों? क्योंकि वो दिल का अच्छा था। देखिए वैसे ही बावरी भी दिल की बहुत अच्छी है, और जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है, दे दे माफी दे दे।